हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन स्टोर। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं और इसी को मैं आगे सीरीज को बढ़ाने जा रहा हूं। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है टेन थीटा बराबर 3/4, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जैसे कि बच्चों आप सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो क्या क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। बच्चों यहाँ पे यही बोल रहा है कि सारे जितने भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एलिमेंट, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सभी का रेशियो हमें फाइंड करना है। जैसे आपको यहाँ पे टेन थीटा का रेशियो गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसा कि हम आपको एक फार्मूला बता चुके हैं सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए कि पाकिस्तान भूखा पैसा और हिंदुस्तान हरा भरा, इसी प्रकार से हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का, वहीं से हम उठा के यहाँ के सारे फार्मूले समझा के और आपको आगे के सारे क्वेश्चन समझा देंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि यहाँ लिखा है टेन थीटा बराबर 3/4। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आप पता है कि हमें फाइंड करना है टेन थीटा, तो हमें गिवेन है, हमें साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, कॉट थीटा फाइंड करना है और सेक थीटा फाइंड करना है, कॉसेक थीटा फाइंड करना है। इन सबको बच्चों हमको फाइंड करना है और हमें टेन थीटा दिया गया है। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया जैसा कि हम एक फार्मूला बताएंगे हिंदी मीडियम वाले के लिए, जो होता है लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। बच्चों आप सब जानते हैं, ये हो जाता है साइन थीटा का और ये हो जाता है कॉस का और ये हो जाता है टेन थीटा का, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाता है, ये साइन का, ये कॉस का और ये टेन का। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ पे टेन दिया है 3/4, टेन में क्या है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपको बच्चों बेस। इतना समझ लीजिए। अब यहां से हमें नीड, हमारे पास परपेंडिकुलर भी और बेस भी है, हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है बच्चों। तो हम सब जानते हैं कि जब हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दी जाए और तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पे ये जो फंडे लगते हैं फार्मूले लगते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के ही लगते हैं। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है बच्चों, और हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो हम सब जानते हैं यहाँ पे क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास गिवन नहीं है तो बच्चों हम ऐसे ही लिख देंगे, परपेंडिकुलर हमें दिया गया 3 तो 3 का स्क्वायर, बेस हमें दिया गया 4 तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब बच्चों इनको आप ऐड कर दें, आ जाएगा 25 और एच स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रखता तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट, और ये किसका रूट होता है 5 का। तो बच्चों देखिए हमें हाइपोटेनियस भी गिवन हो गई। अब हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस तीनों चीज हमारे पास गिवन है। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने। जैसा कि हमने देखिए यह लिखा है साइन थीटा, और अभी बताया ये साइन का होता है, ये कॉस का, ये टेन का। यहाँ पे भी ये साइन का, ये कॉस का और ये टेन का। तो देखिए साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर आपका कितना है यहाँ पे 3 लिख दिया, हाइपोटेनस कितना है 5 लिख दिया। तो बच्चों देखिए एक आंसर हमारा आ गया। ऐसे हमें सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने, तो इन सबको निकालना। देखिए कॉस थीटा आपका क्या है, कॉस थीटा आपका आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों देखिए बेस कितना है आपका यहाँ पे 4, तो 4 लिख दिया। हाइपोटेनियस कितना है 5 लिख दिया, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। अब कॉट में आइए बच्चों, कॉट भी होता है क्या आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए एक चीज आ रही है, ये साइन कॉस टेन का हो गया, जब हम टेन का उल्टा करते हैं तो कॉट बन जाता है, मतलब ये टेन है, यहां से अगर हम इसको उल्टा पढ़ेंगे तो ये कॉट का बन जाएगा, कॉस को जब उल्टा पढ़ेंगे तो ये सेक बन जाएगा, और साइन को जब उल्टा बनेंगे तो ये कॉसेक बन जाएगा। तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस क्या है आपका 4 और परपेंडिकुलर आपका 3, ये बन गया आपका कॉट का। अब आइए सेक में, सेक में देखिए आपका क्या है,
ये है आपका कर्ण और आधार, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज आपकी 5 है और बेस आपका है 4। ये भी आपका भी आप देखें यहाँ कॉसेक, कॉसेक में आपका क्या है एच अपॉन बी और पी, एच अपॉन आपका फिर 5 और पी आपका 3। ये आपका हो गया तीनों। सिंपल सा था बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले ही लगाने थे। और देखिए यहाँ पे फार्मूला का सारे आंसर आ गए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आपसे अगर सारे नहीं पूछेगा तो इन्हीं में से एक आध पूछ लेता है, और ये पूछता जरूर है, एक नंबर में तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। अगर लॉन्ग में देगा तो आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसी ही सीरीज के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें, मैं इसमें आगे से आगे अच्छी से अच्छी सीरीज कराने वाला हूँ जो टोटल आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट।